बांग्लादेश की न्यू रूलर मोहम्मद यूनुस ने कॉल किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और ये राबता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला कांटेक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और कंट्री के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से बिल्कुल कोई किसी किस्म की पेशकदमी नहीं होगी प्रो पाकिस्तान। इस वक्त आपने बयान सुन लिया है जो नए इंटरिम एडवाइजर हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ही समझे आप। अच्छा साहब, बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में आप बांग्लादेश की ओवरऑल सूरत पर क्या तबसरा करेंगे? मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। सो ये जो ये सारी की सारी जो चीज है, ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। और इसके पीछे मुहरकात क्या है? इस वक्त हिंदुस्तान ही साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश में जो बंगाली हैं, जो लीडर्स हैं उनके, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश ने भारत के पीएम यानी मोदी जी को कॉल क्यों किया। तो मैं आपको साफ बता दूं कि उसके पीछे बांग्लादेश की मजबूरी थी, और इसमें कोई शक नहीं कि भारत की मौजूदा सरकार ने बांग्लादेश की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसको मजबूर किया तरीकों को अपना करके। और यह जरूरी भी था कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी उत्पात मचा रहे हैं, खासतौर से हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, यही सोच करके कि कोई नहीं बोलेगा, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, और हर देश किसी न किसी तरीके से दूसरे या तीसरे देश पे डिपेंडेंट है। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तो भारत के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है, और इसी के चलते बांग्लादेश के अंदर उत्पाद को देखते हुए भारत सरकार ने कई कदम लिए। चाहे भारत सरकार ने बांग्लादेश को जा रही बिजली के ऊपर यह खुला ऑर्डर दिया था, बांग्लादेश अगर पेमेंट न करे तो उसको बिजली न दे, और फिर जो बिजली है बांग्लादेश को न दे करके इंडिया में ही बेचे, जिसकी न्यूज क्लिप भी आप ऊपर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ बांग्लादेश को जाने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी एक्शन लिया गया। आपको याद है, इससे पहले मोदी सरकार ने यानी खुद पीएम के अकाउंट से बांग्लादेश को मैसेज दिया गया था कि वहाँ पे माइनॉरिटी के ऊपर और हिंदू के ऊपर अत्याचार बांग्लादेशी बंद करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइजर आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है, और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें, और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है इनका गठजोड़ नहीं चाहते। दिस इज वॉट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट वॉट इज एट द मोमेंट। इट मीन्स नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफर करो। ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। लेकिन इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा, शुरू कर दिए। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो,
अफगानिस्तान हो और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खुला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइज़ किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइज़ किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। देखिए जिस मुल्क की कम अज़ कम 12-13 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड हो, 2022 में इंडिया बांग्लादेश ट्रेड वॉज अराउंड 17-18 अरब डॉलर। आप क्या समझते हैं कि ये इज़न्ट इट एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर? एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। सो ये जो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये इट विल फोर्स इंडिया एंड बांग्लादेश टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। जो बांग्लादेश को इंडिया से मिल सकता है वो कहीं से नहीं मिल सकता, और इंडिया विल बी मोर सिक्योर, मोर ओपन, मोर कॉन्फिडेंट इन केस बांग्लादेश उसके साथ अटैच रहता है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके थे कि भारत से बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता, बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहाँ पर कोई भी रूलर आए उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। और ये रابطہ कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ, तो जिस कंट्री से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है वो इंडिया है। ना सिर्फ ये कि ये वाली हुकूमत, बल्कि इस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो हुकूमत आएगी उसको भी ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ेंगे इंडिया से, अगर वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। इंडिया के तरफ से ये सब करने के लिए स्टेप्स हमें नजर आए, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटीज अंडर अटैक थी, जिसमें हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए, अहमदीज के ऊपर भी अटैक्स हुए, तो माइनॉरिटीज को सेफ करने के लिए भी ये डिप्लोमेसी का तरीका है, ये कामयाब डिप्लोमेसी है कि आप ऐसी सिचुएशन में देखें। एक तो ये होता है कि आप ये कहेंगे हम तुम्हारे पर चढ़ाई कर देंगे, तुम क्या चीज़ हो हमारे सामने, हालांकि ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा हम तो तैयार हैं।